श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ भूपेश टांडिया। गायों की हत्या करने वाले आरोपी इमरान खान और मिशनरी का दलाली करने वाले आरोपी संजू के साथ चार आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इसके साथ ही चार और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें, इमरान खान पर धारा पशु क्रूरता, धारा 5, 6 और 10 के तहत कार्रवाई हुई है। मिशनरी के दलाल संजू व उनके साथी पर भारतीय दंड संहिता 386, 342, 506 बी, 323, 395, 25, 27 आर्मस एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है। जशपुर कुनकुरी में कार्यवाही हुई है। गौ पुत्र हर मोर्चे पर गौ द्रोहियों को धो रहे हैं, आतंकवादियों को देश धर्म द्रोहियों को सिखा रहे हैं। उड़ीसा सीमा बड़डेगा में गौ द्रोही आतंकी 1000 से ऊपर संख्या में रहते हैं, जो गौ तस्करी निरंतर रूप से करते जा रहे हैं, राष्ट्रद्रोह करते हैं। गौपुत्र हर मोर्चे में गौ द्रोहियों को एक एक करके धोते नजर आ रहे हैं, अपने प्राणों को दांव में लगाकर गौ द्रोहियों से लोहा ले रहे हैं। जसपुर के जो कुनकुरी थाना पड़ता है, वहाँ पे गौ मांस की बिक्री की भारी मात्रा में होती है। उड़ीसा से कुछ अमाई तत्व, कुछ असामाई तत्व जसपुर के इमरान खान जैसे लोग वहाँ पे गौ हत्या भी करते हैं और गौ मांस का विक्रय भी करते हैं। गौ मांस की बिक्री बड़ी मात्रा में जसपुर के अंदर में लगातार हो रही है, जिसकी शिकायत गौपुत्रों के पास में थी, पुलिस के पास भी थी। पुलिस ने भी हमें संपर्क किया किस प्रकार से पकड़ा जाए। गौपुत्र गए वहाँ पे इमरान खान जैसे अपराधी को, पूरी टीम को पकड़ा और पुलिस ने पशु क्रूरता के तहत भी कार्रवाई की। आर्म एक्ट में कुछ हथियार ही मिले, कुछ कट्टे भी मिले, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की। वहाँ के कुंवर SDOP और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन ने गौपुत्रों का पूरा सहयोग किया। हमने फिर लगातार उच्च अधिकारियों से बात की, क्योंकि वहाँ से हज़ारों गाँव में तस्करी पैदल होती, पत्थल गाँव से होते, जसपुर से होते, उड़ीसा और झारखंड लगातार हो रही है और लगातार तस्करों द्वारा पुलिस पे भी हमला हो रहा है, गौपुत्र भी हमला। इसमें बड़ी गंभीरता से पुलिस ने लिया है और हमने मांग भी की कि बड़ी कार्रवाई हो। और हम उच्च अधिकारी जो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय श्रीमती राज्यपाल जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि क्योंकि एक बड़ा माफिया बांग्लादेश से आके वहाँ पे गौ तस्करी करवा रहा है, स्थानीय लोगों को भड़का रहा है। पूरे गौवंश जो गवर्नमेंट का अभियान है, गौ गरुआ का अभियान चल रहा है, उस अभियान को असफल बनाने के लिए इमरान खान जैसे असामाजिक तो आतंकवादी लोग गौवंश तस्करी पूरे प्रदेश से युद्ध स्तर पर करें, हजार हजार गौवंश यहाँ से ले जा भी रहे और गौ हत्या करके होटलों में और अन्य जगह पर गौमांस बेच भी रहे हैं। तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय गृह मंत्री जी, पुलिस के जो बड़े अधिक आला अफसर हैं, DGP साहब से अनुरोध है इस मामले को संज्ञान में लें, क्योंकि अगर गौवंश यहाँ से खत्म हो जाएगा तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को जो अभियान है गौ गरुवा और गोबर न्याय योजना जो अभी चल रही है उनकी, ये असफल हो जाएगी। और हम चाहते हैं योजना सफल हो ताकि जैविक खेती हर घर में हो और लोग अच्छा खाएँ और अच्छा जिए।